खुद एससी का कैंडिडेट हूँ। अच्छा अच्छा, और इसलिए वोट होते हैं। देखो यहाँ तो तीनों का वोट है, ठोस वोट बूढ़ा साहब के पहली बार बने हैं। कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पे, कुछ दिन पहले भी आए थे। गधे के पैसे दिवा सकते हैं 50,000, तो वो करामात रखता है। इनके डीपी बढ़ गई थी, रात को आए फोन कर दिया, हाथ क्या डीपी कर दिए। अब की बार है ना निकलेगा पक्का। आज नहीं निकलेगा तो जिंदगी हम ना वादा भी नहीं करेंगे। ये तो कमर कस रखियो। और आपकी बार नहीं निकलूंगा ना तो जिंदगी में निकलूंगी नहीं। नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं राज न्यूज केडल। जैसा कि झुंझुनू के उपचुनाव है वो परवान पे है, यहाँ से जो प्रत्याशी है अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। अभी मैं हूँ झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के बाकरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पे। आप देखेंगे गांव के जो गुआड़ है वहाँ से आप तक राजनीतिक चर्चा है पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कुल कितने मतदाता हैं और क्या चुनावी माहौल यहाँ पर रहने वाला है। नमस्कार दादाजी, कौन से गांव? बाकरा गांव, लेकिन चुनावी मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। चुनावी मामले नहीं, वैसे कुल मतदाता कितने हैं ये तो बता ही सकते हो? वो मेरे को मालूम नहीं, मतदाताओं का भी नहीं पता। कौन कौन से गांव है वो भी मेरे को मालूम नहीं, मैं चुनावी मामले। अभी बाकरा पंचायत के सीसिया गांव में है और कुछ देर बाद वे ही यहाँ पे बीबासर पंचायत के सीसिया गांव में है और कुछ देर बाद में राजेंद्र जी भामू की यहाँ सभा होने वाली है। नमस्कार जी, नमस्कार। अभी क्या चुनावी माहौल चल रहा है सर? मैं आपको और मेरे जो बड़े हैं और छोटे हैं उनके साथ और बड़ों का आशीर्वाद से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिंसिया गांव से राजेंद्र सिंह जी भामू काफ़ी मतों से विजय होंगे। मैं पूरी विधानसभा के अंदर तो ये कहना चाहता हूं कि राजेंद्र सिंह जी भामू काफ़ी वोटों से लीड करेंगे, परंतु हम अपनी जीत जब मानेंगे जब हम सिंसिया गांव से अच्छी लीड दे के भेजें। कुल कितने मतदाता हैं इस गांव में? हमारे गांव के अंदर सिर्फ 1563 मतदाता हैं। बात करें बीजेपी का, यहां से पड़ा भारी रहने वाला है आप जिस हिसाब से बता रहे हो, और कौन कौन सी पार्टियों के यहाँ पे? सर सच्चाई ये है कि ओड़ा परिवार अपनी विरासत समझता था इसको। ये पिछले चुनाव में किस पार्टी का यहाँ ज्यादा दबदबा था? मतलब जो पिछला चुनाव रहा उसमें कुछ वोटों से विजेंद्र ओड़े को वोट ज़्यादा मिले थे, कांग्रेस का ज़्यादा था। गांव के अंदर सेकंड नंबर के अंदर राजेंद्र सिंह जी भामू थे। और बार पाड़ा है वो पूरा ही चेंज हो गया है, पूरा चेंज हो गया। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस वजह से अब की बार चेंज हुआ है यहाँ पे? ये मुद्दा तो क्या है कि ये टिकट ली है आपका परिवार के गेम, परिवारवाद हो गया, सबको ये मालूम हो गया कि आप ही आप जीतते हैं। यार ये भामू आदमी अच्छा है, व्यवहारिक आदमी है, इसीलिए इनको ऊपर सब तैयार हो गए। झुंझुनू में अब की बार राजेंद्र जी भामू की जीत आप बता रहे हो निश्चित है सर? ये वोटों से मेरा अपना मानना नहीं है। मैं पूरे दिन मार्केट में रहता हूं और जो फिलहाल माहौल बन रहा है, जैसे आपको पता है कि आज भी अल्पसंख्यक परिवार की मीटिंग है, तो अल्पसंख्यक जो परिवार है, मोमडन परिवार है, वो कांग्रेस से बिल्कुल बगावत पर है। तो उसका मेरा अपना मानना है कि जीत राजेंद्र सिंह जी भामू, अभी तक विधानसभा में जो जीत जिस प्रत्याशी नहीं करी उससे भी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल होगी। और दूसरा ये कहने में भी कोई शक नहीं है कि टक्कर में हो सकता है, टक्कर में हो सकता है, आज शाम को क्लियर होगा, बाकी टक्कर में हो सकता है राजेंद्र सिंह गुड्डा टक्कर दे। गुड्डा जी तो कुछ दिन पहले आए हैं, कुछ दिन पहले आओ पर सबका वो सबका मन सोर लिया, जीत लिया। आपके गांव में भी है क्या उनके वोट? बिल्कुल है, तीनों का वोट है, सबसे ज्यादा भामू का वोट। उसके बाद में पहला नंबर भामू का है और दूसरा नंबर लट्टे पट्टो है। कौन सी जाति के सबसे ज्यादा वोट है इस गांव में? सोरायण का, हरिजन। दादाजी आप भी इसी गांव के हो? इसी गांव के। ये बता रहे हैं कि राजेंद्र जी भामू यहां से लीड करने वाले हैं। देखो मैं खुद एससी का कैंडिडेट हूं। अच्छा अच्छा, और इसलिए और वोट होते हैं कांग्रेस के? मैं एससी का कैंडिडेट हूं, लेकिन अभी भामू जी के लिए मैं ये आपको गारंटी देगा कम से कम 20-30 हजार वोट के बीच से जीतेंगे। 20-30 हजार वोट पक्का जीतेंगे, इसमें शक नहीं किसी को।
इससे पहले चुनाव की बात करें, आप कौन सी पार्टी से? चुनाव में तो वो कारण हो गया, वो ये टीड़ी जो थी उसके साथ निर्दलीय खड़े होने के कारण से हो गए। ये निर्दलीय थे, फिर भी सेकंड नंबर थे, सेकंड नंबर पर निर्दलीय होके भी, निर्दलीय होके भी सेकंड नंबर थे। तो आप जानते हैं पूरी विधानसभा में क्या माहौल रहने वाला? विधानसभा में मैंने बताया कि इसकी अपने क्षेत्र से भामू जी 25,000 वोट से मैं मानता हूँ, उसके बाद 20,000 से जीजिए। आपके आसपास में कौन कौन सी पंचायतें हैं? बिब्बासर पंचायत में हम आते हैं, दोरासर, उत्तरासर, आबूसर, मालसर, ये ठीक है, इस साइड बगड़े, सुल्ताना, हर जगह माहौल बढ़िया है। देखो यहाँ तो तीनों का वोट है, ठोस वोट बूढ़ा साहब के पहली बार बने हैं। कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पे, कुछ दिन पहले भी आए थे। गधे के पैसे दिवा सकते 50,000, तो वो करामात रखता है। इनकी डिपी बढ़ गई थी, रात को आए फोन कर दिया, हाथ क्या डिपी कर दिए पीछे हाँटते हो, काम करने वाला आदमी है, फिर भी आप उनसे खुश हो? वोट देंगे बूढ़ा साहब को, देंगे वोट ठोस, तीनों को वोट जाएंगे। कांग्रेस से वोट कटेंगे, कांग्रेस के वोट हैं, कांग्रेस से कटेंगे। आप देखेंगे और भी इस जो बिब्बासर ग्राम पंचायत के गांव हैं उन तक भी जाने की कोशिश करेंगे। और अभी कुछ देर बाद में यहां राजेंद्र जी भामू की एक सभा होने वाली है। अब की बार है ना निकलेगा पक्का, आज नहीं निकलेगा तो जिंदगी हम ना वादा भी नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, बस बार कमर कस लिया थे मतलब? हाँ, ये तो कमर कस रखियो, ठीक है ना, ये तो कमर कस रखियो। अच्छा अच्छा, और आपकी बार नहीं निकलूंगा ना तो जिंदगी में निकलोगी नहीं। अब आप लोग साथ हो तो हाँ